राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा अब प्रस्तुत है एक कहानी। चतुर मूर्ख। तीन मूर्ख थे, वे कहीं जा रहे थे। रास्ते में ही रात हो गई। वे पास के एक गांव में रुक गए। उन्हें भूख भी लगी थी। मांगने पर उन्हें गांव में एक घर से चावल मिला, दूसरे घर से दूध मिला, तीसरे घर से चीनी भी मिल गई। तीनों ने मिलकर खीर बनाई। भर पेट खाने के बाद भी थोड़ी सी खीर बच गई। बची हुई खीर कौन खाएगा, इस बात पर बहस छिड़ गई। बहस के बाद तय हुआ कि रात में जो सबसे अच्छा सपना देखेगा वही खीर खाएगा। तीनों लेट गए। वे आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगे। दो तो जल्दी सो गए। तीसरे को नींद न आई। वो सोचता रहा। कौन सा सपना देखूं जिससे खीर मिले। धीरे धीरे सवेरा होने लगा। न तो वो सोया और न ही उसने कोई सपना देखा, लेकिन वो चतुर था। वो चुपके से उठा और सारी खीर खा गया। खीर खा लेने पर उसे झटपट नींद आ गई। दोनों मूर्ख बड़े सवेरे ही जाग गए। उनके दिमाग में सपने की बात ही बार बार आ रही थी। उन्होंने तीसरे को भी जगाया। अरे उठो, अरे उठो, उठो, अरे उठो, 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 अरे उठो। हाथ मुंह धोकर वे एक दूसरे से सपनों के बारे में पूछने लगे। पहले ने कहा, आहा, मैं तो सपने में स्वर्ग पहुंच गया था। वहां पर देवता मेरी सेवा कर रहे थे। अच्छा। हाँ। परियां, परियां नाच रही थी। और हाँ, हाँ, खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें थी। वाह 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 वाह,
बड़ा आनंद आ रहा था। वाह 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 वाह। दूसरे ने कहा, मैं तो सपने में गढ़वाल का राजा बन गया था। वो बड़ा महल था, हाथी घोड़े नौकर चाकर थे। मैं दरबार में सिंहासन पर बैठा था। वाह 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 वाह। बगल में महारानी थी। लोग झुक झुक कर सलाम कर रहे थे। बड़ा अच्छा दृश्य था। अब तीसरे की बारी आई। उसने तो कोई सपना देखा नहीं था। ऊपर से खीर भी चट कर गया था। पहले तो वो घबराया, फिर कुछ सोचकर बोला, मेरे सपने को मत पूछो। मेरे सपने में एक काला कलूटा भूत आया। भूत? उसका बहुत बड़ा शरीर था, चेहरा डरावना था। आते ही उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और डंडे से पीटने लगा। मैंने रोते हुए उससे पूछा, मुझे क्यों मार रहे हो भाई? उसने बिगड़ कर कहा, अभी तक तुमने खीर क्यों नहीं खाई? अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो उठो और सारी खीर खाओ। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसी समय उसने मेरी गर्दन पकड़ी और खीर के पास ले जाकर कहा, चलो सीधी तरह खीर खाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। मैं क्या करता, मुझे खीर खानी पड़ी। खीर खाए तू? ऐसे ये सुनकर दोनों मूर्ख गुस्से में आ गए और बोले, तो क्या तुमने खीर खा डाली? नहीं खाता तो क्या करता, अपनी जान से हाथ धोता। तुम झूठ बोलते हो। जब भूत मार रहा था तब तुमने हम लोगों को क्यों नहीं जगाया? जगाता कैसे, तुम में से एक स्वर्ग का आनंद ले रहा था और दूसरा महाराजा बन गया था। मैं तुम्हें वहां से कैसे बुलाता? अगर बुलाता तो तुम लोग कहते कि मैं तुम्हें सपने में भी सुखी नहीं देखना चाहता, इसलिए मैंने तुम लोगों को नहीं जगाया। ये सुनकर दोनों मूर्ख दांत पीस कर रह गए। चतुर मूर्ख। अभी आप सुन रहे थे ये कहानी। विषय संयोजन प्रतिभा दासगुप्ता, परियोजना संयोजन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, कीमती आनंद और प्रवीण शर्मा, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति
वंदना अरिमर्दन।